आप देख रहे हैं UMB न्यूज। चलिए फटाफट जानते हैं देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए डालते हैं एक नज़र आज की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार का हलफनामा, दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार। अब 5 साल तक हो सकता है CBI ED के निदेशकों का कार्यकाल, 2 अध्यादेश जारी। लखीमपुर केस, आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। यूपी में गायों के इलाज के लिए अभिनव एम्बुलेंस सेवा, 520 एम्बुलेंस से शुरू होगी, 24 घंटे रहेगी एक्टिव। आजम खान लखनऊ कोर्ट में पेश हुए, CBI ने भर्ती घोटाले में चार्जशीट लगाकर आजम को कॉपी रिसीव कराई। चीन में फिर कोरोना की दस्तक, हफ्ते भर में डेल्टा वेरिएंट के सबसे ज्यादा 1308 मामले, 21 प्रांतों तक फैला संक्रमण। नशे का कारोबार, गुजरात के मोरबी से 600 करोड़ की 120 किलोग्राम ड्रग्स बरामद, ये कैसे आई थी अफ्रीका भेजी जानी थी। नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर आगजनी और पथराव, कहा यह मामला मुझ पर नहीं हिंदू धर्म पर। ऑनलाइन शिकायत करना पड़ा महंगा, खाते से 65,000 रूपए उड़ाए। यूपी बोर्ड कक्षा 9 के परीक्षा का पैटर्न बदला, अब 20 नंबर के होंगे बहुविकल्पीय सवाल। केंद्र का फैसला, अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम करने की दी अनुमति। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर निजी विश्वविद्यालय के छात्र पर देशद्रोह का केस। जेल में ही रहेगा केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा, जमानत अर्जी खारिज। 14 करोड़ टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना यूपी, सीएम योगी बोले और बढ़ाएंगे वैक्सीनेशन की रफ्तार। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम मोदी झांसी में शुरू करेंगे 6 परियोजनाएं। ऑस्ट्रेलिया में बदमाशों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी, प्रधानमंत्री ने कुछ घंटे पहले ही किया था अनावरण। कई राज्यों में भारी बारिश, दिल्ली की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा हरक्यूलिस, पीएम के आने से 2 दिन पहले सुखोई मिराज की रिहर्सल। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने की मुगलों की तारीफ, बाबर हुमायूं को बताया देशभक्त। चीन में 250 मिसालों का परीक्षण, 1000 परमाणु बम, धरती की तबाही का हथियार जुटा रहा ड्रैगन। ट्रेनों का स्पेशल ट्रेन का टैग हटाना शुरू, पहले बुक कराएं टिकट का रिफंड मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार बॉर्डर के पास मारे गए उग्रवादियों के पास से चाइनीज हथियार बरामद। राजस्थान में आज कम हो जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले 5,270 के पार, 2015 के बाद सबसे ज्यादा केस इस साल। बीजेपी मार्च तक फ्री देगी राशन, सपा सरकार बनी तो 5 साल चलेगी स्कीम, अखिलेश यादव का ऐलान। लखनऊ में मकान गिरने से 2 बच्चों की मौत, सोते समय हुआ हादसा, मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 12.5% हुई। ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट, NCB की SIT टीम ने छोड़े 3 केस, अब सिर्फ RN समीर खान और अरमान कोहली की केस की करेगी जांच। तो अभी के अपडेट में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो देखते रहिए UMB न्यूज़।